आज हम बनाएंगे सिंपल चिकन करी। ये वीडियो देखने के बाद आप आधे घंटे में ही इतनी बढ़िया चिकन करी बना सकते हैं, जिसमें चिकन इतने अच्छे से गला होगा और चिकन के अंदर तक टेस्ट आएगा और ग्रेवी भी इसकी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 1 लहसुन की गांठ ली है, 1 इंच अदरक लिया है, 4 हरी मिर्च ली है। प्याज को हम बारीक कट कर लेंगे और हरी मिर्च को मैंने रफली कट कर लिया है। अब चिकन बनाने के लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1/2 कप दही लिया है, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला डालेंगे। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब चिकन में डालने के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो 3 तेज पत्ता लिया है मैंने, 1 चम्मच जीरा लिया है, 5 छोटी इलायची ली है, 4 लौंग लिए हैं। अब हांडी को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। जीरा चटक जाएगा इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, मिला लेंगे इसे अच्छे से। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। अब प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज को मैंने भून लिया है अच्छे से। अब प्याज अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें मसालों का पेस्ट डाल देंगे। 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मसालों को प्याज के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। दही डालने की वजह से ये फट सकता है, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। अब 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन लगा के 8 से 10 मिनट के लिए हम भून लेंगे मसालों को। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे लो रखेंगे, जब तक मसालों से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भून गया है, मसालों से तेल सेपरेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब चिकन को हम मसालों के साथ हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि चिकन में जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। अब चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक भून लिया है मसालों के साथ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब 5 मिनट के बाद हम ढक्कन लगा के चिकन को मसालों के साथ 8 से 10 मिनट तक के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे लो रखेंगे। अब 8 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मसालों के साथ चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, मसालों से तेल सेपरेट हो चुका है। तो इसे एक बार फिर से हम मिला लेंगे। अगर आपको ड्राई चिकन खाना है तो आप इसे थोड़ी देर और पका लें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है।
अब इसका ढक्कन लगा के हम 7 से 8 मिनट तक और पकाएंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बने। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। अब 7 से 8 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर। मिला लेंगे इसे। अब हम इसमें लास्ट में इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। तो ये यहाँ पे चिकन करी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही कम मसालों में बहुत ही टेस्टी चिकन करी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ सर्व करें या रोटी के साथ, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस चिकन करी की रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं ये पका है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से गला हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।